हमारे खास प्रोग्राम राग रागिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। अपने खास प्रोग्राम राग रागिनी में पिछले कड़ी में हमने आपको राजेंद्र खड़किया की गायी हुई रागिनी सुनाई थी। राजेंद्र खड़किया हरियाणवी रागिनी का एक ऐसा सितारा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी हरियाणवी संस्कृति को समर्पित कर दी। इस बार भी हम राजेंद्र खड़किया की ही गायी हुई कुछ खास रागिनियां आपके लिए लेकर आए हैं। आजाद हिंद का वो प्यारा हिंदुस्तानी फौजी मेहर सिंह जो दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते गोली का शिकार हुआ, अपने यार दोस्तों को इकट्ठे करके भाइयों को लगे भाई एक बार एक नया संदेशा है, क्या संदेशा है तो उनसे बताने लगे और उसके साथ भी वो चिट्ठी लिखने लग जाते हैं बहुत अच्छे डर के लिए। कैसे बोला मेरे साथ भरिया संग के
अगली रागनी में राजेंद्र खड़किया ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर कटाक्ष किया है और क्या कहा है आप? हाँ, बिल्कुल, दौलत नशे में चूर फिरते हैं अभिमानी बहुत, और यही रागनी की खूबसूरती भी है, हल्के फुल्के तरीके से अपनी बात को कहना। वक्त यहाँ पर हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और रागनियां सुनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से निकल पड़ते हैं रागनी के सफर पर। यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। आज सिर्फ भगवान जी के आशीर्वाद से और पूरे हिंदुस्तान की जनता की दुआ से, जिन हमारे बुजुर्गों के भाइयों कानों में आवाज आती है, उस दुआ से भगवान जी ने हमको बचा लिया। भाई राजेंद्र सिंह के गावे, राजेंद्र सिंह के गावे, हो गया मजबूर जमाने में, कदे कोई शिकू क्या करती, आज ये बन गई बात बहाने में। सजनो, एक भजन की समय का कि जैसे श्री कृष्ण जी भगवान ने उस महाभारत के अंदर ये रोल करके दिखा था, इसी तरह हमारे सूर्य कवि श्री लक्ष्मीचंद जी ने इस मानव जाति के लिए अपना रोल करके दिखाया, कैसे भला। ये रे अपने जीवन का रोल कति, कृष्ण की धारा कर गया, मानव जाति ने ठेकेदार साहब, बबलू ठेकेदार धनखड़ साहब, ठेकेदार है सबका सम्मान, किसे की करते नहीं बुराई, किसे ते भी नहीं होई भाई, सबके मन की चाही, या खूबी ते सब तरिया श्री लक्ष्मी चंद में पाई, जिसी मर्द उसी दई दवाई, शब्द भी नहीं मिलेगा परमाणु से पा।
बड़े भूल में सो में थे वे जगा दिए नरनार दूर करया अंधकार ओहर ते अगली रागनी जिसके बोल हैं तेरे काजा पदशीश पे, जिसमें रामायण काल का जिक्र हो रहा है। रागनी में रावण और मंदोदरी का संवाद हो रहा है, जिसमें मंदोदरी अपने बुरे सपने का जिक्र रावण से कर रही है। तेरे काजा शीश पे छाई सुंदर रागनी थी। हमें उम्मीद है कि आप सभी रागनी का आनंद ले रहे हैं और आपको ये पसंद भी आ रही है। अगली रागनी दोस्ती के ऊपर है। इसमें गायक राजेंद्र खड़किया दोस्ती के भाव को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। धन से मेरी यारी ने
अगली रागनी में बताया गया है कि बिना माँ बाप के बच्चों को समाज में किस नजर से देखा जाता है और समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। और पता सुनते हैं क्या बता भाई।
भाइयों ने 50-50 रुपए, 20-20 रुपए, 10-10 रुपए दिए, उन भाइयों को सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। ये सुन के भगत सिंह देशवाल साहब मेरे को इनाम देते हैं, मैं भगत सिंह जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले रविवार फिर से हाजिर होंगे कुछ और बेहतरीन रागनियों के साथ। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार।